सिया को भी ले आती दीदी। उसे आज फुर्सत कहाँ है, उसके फ्रेंड्स ने आज 12th की फेयरवेल पार्टी रखी है। हमें अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि सरफिरे लड़कों ने दिया नाम की इस लड़की के साथ खुलेआम बदसलूकी की। सावधान इंडिया 100 दिन 100 फाइट बैक्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस नए सीजन के आज के एपिसोड में हम जो कहानी लेकर आए हैं वो है मीडिया, यानी अखबार, टीवी, न्यूज चैनल्स, इंटरनेट पोर्टल्स। आज टेक्नोलॉजी की वजह से इनकी ताकत बहुत बढ़ चुकी है। कहते हैं जहां कोई भी नहीं पहुंच पाता वहां न्यूज पहुंच जाती है, लेकिन ताकत जितनी ज्यादा होती है जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। हेलो टिया, अरे हटो टिया, टिया 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 बेटा टिया। टिया आप लोग प्लीज यहीं रुकिए। ओके टिया, टिया दिया बेटा, दिया 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 दिया। अरे बंद करो, क्या कर रही है बेटा? मैं शर्मसार हूं कि मैं इसी देश का नागरिक हूं जिस देश में टिया की अस्मिता भंग की गई। इस समाज का हिस्सा हूं जिस समाज में ऐसी विकृत सोच वाले अपराधी पनप रहे हैं। ये कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? किसी का कत्ल होता है, सब चुप रहते हैं। अपहरण होता है, चुप। किसी की अस्मिता भंग की जाती है, फिर भी सब चुप, सिर्फ चुप। बरसों से चली आ रही हमारी ये चुप्पी, ये खामोशी जिम्मेदार है टिया की इस हालत के लिए, उसके दर्द, उसकी सिसकियों के लिए और ऐसे अपराधियों के बढ़ते हुए हौसलों के लिए। टिया के साथ जो वहशियाना हरकत हुई, हो सकता है उसका जवाब अभी हमारे पास ना हो, लेकिन देखना यह है कि इस हादसे के पूरे खुलासे के बाद हम इसका जवाब ढूंढ पाते हैं या नहीं। टिया बेटे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, और जिस तरह मीडिया ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया उससे तुम पर क्या गुजर रही है ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं, लेकिन अब इसे कंट्रोल में लाना है, और उसके लिए जरूरी है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, जैसे हुआ, उसकी रिपोर्ट लिखवाओ ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर सके और जल्द से जल्द उन लड़कों को पकड़ ले। टिया बेटा, सिंह साहब यहां के डिप्टी कलेक्टर है, इन्हें सब कुछ सच सच बता दो ना, ताकि पुलिस कार्रवाई कर ले और उन लड़कों को सजा दिला सके हम, प्लीज। टिया बेटा, ये बहुत बड़ी घटना है जिसकी वजह से सारा प्रशासन हिल चुका है, सारे न्यूज चैनल प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, मंत्रालय से भी आदेश आया है कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हारा कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अब चलो, तुम मुझे ये बताओ, ये लड़के कौन थे? क्या तुम्हारा किसी से कभी कोई झगड़ा हुआ था जिसका बदला लिया इन्होंने? घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करने आए। टिया, उन लड़कों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने क्या पहना था जिसे वो प्रवोक हुए? मिनी स्कर्ट या शॉर्ट टॉप? कैसे थे तुम्हारे कपड़े? क्या तुम्हारा उन लड़कों में से किसी के साथ कोई अफेयर या ब्रेकअप हुआ था? ये दोस्त तुम्हारे कौन थे? तुम्हारे स्कूल के दोस्त थे या कोई बाहर के लड़कों से तुम्हारी दोस्ती थी?
सिंह साहब, मेरी बेटी से ऐसे सवाल क्या कर रहे हैं आप? देखिए, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए एंड प्लीज बीच में दखल मत दीजिए, समझा? ये कुछ बोल नहीं रही है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, तुमने ऐसा किया क्या जिस वजह से उन लड़कों ने ऐसे रिएक्ट किया? चलिए बस, बहुत हो गया पुलिस की कार्रवाई, ये कोई तमीज है बात करने की? अरे ये तो ऐसे जाहिर करा रहे हैं जैसे जैसे मेरी बेटी पे क्राइम नहीं, मेरी बेटी ने क्राइम किया। तो फिर ठीक है, हम अपनी रिपोर्ट में लिख देते हैं कि लड़की ने सहयोग देने से मना कर दिया। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, ठीक है चलते हैं। अक्सर ऐसे मामलों में कुछ पुलिस वालों के सवाल जख्मों पर मरहम के बजाय नमक का काम करते हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस की पूछताछ का मकसद सिर्फ ताजे जख्मों को कुरेदना है, और कहीं ना कहीं कुछ पुलिस वालों के इसी रवैये की वजह से ऐसे मामलों में पीड़ित महिलाएं शिकायत दर्ज नहीं करवाती और जुर्म के खिलाफ चुप रह जाती। कानूनन ऐसे मामलों में पीड़ित महिला से पूछताछ के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी की मदद ली जानी चाहिए, और मानवीय संवेदनाओं को ख्याल में रखते हुए महिलाओं से पूछताछ तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक उनकी स्थिति सामान्य न हो। टिया की हालत बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि वो कोई भी बयान दे सके, लेकिन न्यूज चैनल्स पर लगातार दिखाई जा रही टिया की रिपोर्ट की वजह से पुलिस और प्रशासन पर दबाव बेहद बढ़ गया था, और वो जल्द से जल्द इस मामले को किसी नतीजे तक पहुंचाना चाहते थे। ये के क्लासमेट ना हो ना? बस तुम लोग उस दिन उसके साथ पार्टी में थे ना? चलो बताओ कौन कौन शामिल था इसमें? सर हमने कुछ भी नहीं कहा सर, हम में से कोई शामिल नहीं था सर। जल्दी बोलो कौन कौन था? सर वो हमारे साथ पार्टी में थी सर, फिर वो चली गई। झूठ बोल, नहीं सर झूठ बोल, फटाफट बताओ। सर हम सच कह रहे, सर हमने कुछ भी नहीं कहा सर। बेटा हम तो यह पता लगा ही लेंगे कि कौन कौन था उसके साथ और कौन नहीं था, समझा? जिस दिन हमें ये सारे सबूत मिल गए ना, उस दिन लॉकअप में डाल करके इतना मारूंगा कि जो आर्टी पार्टी करना है ना सब भूल जाओगे। चलो बोलना शुरू करो। कौन है? क्या कहा टिया ने? आखिर क्या कहना है टिया का? इसके पीछे उसके कौन से दोस्त का हाथ है? आपको बताना ही पड़ेगा इसके पीछे का क्या रीजन था। क्या सारे इसके दोस्त है जिसके जिन्होंने टिया के साथ ये सब कुछ किया? क्या टिया का अफेयर था? क्या इस तरीके के सवाल पूछते एक छोटी सी लड़की के बारे में शर्म नहीं आती आपको? या फिर पत्रकार बनने के बाद इंसानियत से नाता टूट जाता है आप लोग? जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, आपको हमें जवाब चाहिए। बताइए ना बताइए, बात तो साफ है कि इसमें टिया की ही गलती रही होगी, तभी वो चुपचाप बैठी है। आइए आप लोग प्लीज, आइए आप लोग प्लीज आइए। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्देशानुसार कोई भी ऐसा वीडियो जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर दाग लग सकता हो उसे उसके मूल स्वरूप यानी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता। पीड़ित व्यक्ति का चेहरा ब्लर कर दिया जाना चाहिए या उसके चेहरे पर ब्लैक पैच यानी काली पट्टी डाली जानी चाहिए। नाम पता बदल दिया जाना चाहिए ताकि किसी भी सूरत में कोई भी पीड़ित व्यक्ति को पहचान ना सके, जिससे पीड़ित व्यक्ति को समाज में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि उस टीवी न्यूज चैनल ने अपने फायदे के लिए खुलेआम टिया का नाम लिया और उसका चेहरा भी दिखाया। इंटरनेट वेबसाइट्स ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और टीवी चैनल के न्यूज क्लिपिंग्स को पूरे देश में फैला दिया, और तो और कुछ लोगों ने भी गैर जिम्मेदाराना हरकत की और न्यूज क्लिपिंग्स के MMS बनाकर एक दूसरे को भेजना शुरू कर दिया। नतीजतन कहीं कोई ताने कस रहा था तो कोई टिया के चरित्र पर सवाल उठा रहा था, किसी नुक्कड़ पर उसका मजाक उड़ाया जा रहा था तो कहीं उसको ही दोषी करार दिया जा रहा था। एक संवेदनशील मामले को सनसनीखेज एंटरटेनमेंट बना दिया गया था। वो रात तो बस शुरुआत थी, अब टिया को हर पल बार बार उसी अपराध का शिकार बनना पड़ रहा था। इस सब को रोकने के लिए टिया के पिता ने सीधे न्यूज चैनल के अधिकारियों से बात करने का फैसला किया। सर, हम एक न्यूज चैनल, और अगर हम सच लोगों को नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा कि आसपास के माहौल में आखिर चल क्या रहा है? अफ्टरऑल लोगों को सावधान करना मीडिया का ही काम, और वही हम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। अगर इससे आपकी बेटी की जिंदगी पर कुछ असर पड़ा तो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी मासूम बेटी की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी TRP के लिए उसे ब्रेकिंग न्यूज बना के आपने हमारा जीना हराम कर दिया। And all you can say is sorry. Take this news off air right now. Sorry. ये मुमकिन नहीं। लेकिन जब चैनल के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और इस खबर का प्रसारण रोकने से साफ इनकार कर दिया, तब भी आशुतोष ने हार नहीं मानी और उन्होंने सीधे सूचना और प्रसारण मंत्रालय में बात करके हर चैनल से इस खबर को हटवाया
ताकि टिया का दर्द कुछ हद तक तो कम हो सके। टिया, माय लिटिल फाइटर, डोंट गिव अप बेटा। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन अगर तुम टूट जाओगी तो उससे ज्यादा गलत होगी। कभी भी लाइफ में किसी भी सिचुएशन को अपने से बड़ा मत समझो, बल्कि उससे ऊंचा उठो। फिर देखना लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। That's how fighters are, ना? Yes. Don't give up. You have been a bright student. कभी भी लाइफ में किसी भी सिचुएशन को अपने से बड़ा मत समझो, बल्कि उससे उठ के ऊंचा बन। देखना उसके बाद सब बदल जाएगा। क्या कहा उन लड़कों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने क्या पहना था जिसे वो प्रवोक हुए? बेटा, फूल का पैसा लेना था। नहीं, मम्मी और पापा बाहर गए हैं। काका, आप एक दो घंटे बाद आओ। कोई बात नहीं बेटिया, ये बिल है, साहब या मैडम आए तो दे देना, बोलना कल जब फूल देने आऊंगा तो ले लूंगा। चलता हूं। रहने दे बेटा, मैं खुद उठा। काका, मैं उठा देती हूँ। मैं साखी लेकर चलता हूँ, लेकिन सहारे की आदत नहीं डाली मैंने। कल को अगर तुम आसपास ना रही तो दर्द तो एक एहसास है, मानो तो बहुत गहरा, ना मानो तो कुछ नहीं। चलता हूँ। बाबा, आज मेरा एग्जाम है, आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? ऑफ कोर्स, आजा। रुको, मैं भी आती हूँ। चल जल्दी। दिया, एग्जाम देने जा रही है? जी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Wish you all the best. और हम दोपहर को लेने आएंगे आपको, हाँ? दिया, all the best. Take care. Hi. Good to see you, dear. Oh wow, दिया, it's so nice to see you. हमें तो लगा कि शायद तो एग्जाम नहीं देंगे। हेलो दिया। अरे, मेरा हॉल टिकट दिखा। अरे, तेरी सीट तो बिल्कुल मेरे बगल में है, रूम नंबर 6 में। चल चल चल। चलो। कितना टफ था ना पेपर, तेरा कैसा गया? ठीक था। तूने फोमास वाला अटेंड किया था? ओके, तू मुझे गेट पे मिल, मैं श्रेया को लेके आती हूँ। ओ इंटरनेट की रानी,
क्या बोल रहा था? ओ मैं समाज के बर्ताव का किसी इंसान पर कितना गहरा असर पड़ता है, टिया का केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कल तक जो टिया समाज की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से टूट रही थी, आज वही अपने माता पिता और दोस्तों के साथ की वजह से एक बार फिर खुलकर जीने के लिए तैयार थी। अब टिया अपने डर से लड़ रही थी, अपने अकेलेपन से बाहर निकल रही थी। दोस्तों ये बेहद जरूरी है कि हम हादसों का शिकार हुए लोगों को अपना पूरा सहारा दें, उनका साथ दें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं। ये सिर्फ उनकी जरूरत नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। और इसी साथ की वजह से टिया अपने साथ हुए अपराध के खिलाफ लड़ने की हिम्मत जुटा पाई। वो चाहती तो औरों की तरह चुप बैठ सकती थी, क्योंकि शायद कुछ दिनों बाद लोग इस हादसे को भी भूल जाते, लेकिन वो औरों की तरह नहीं थी, इसीलिए मिसाल बनी, क्योंकि उसने फैसला किया आवाज उठाने का, अपराधियों को सजा दिलवाने का। सर, मुझे सब याद है, एक एक चेहरा, एक एक मिनट जो मेरे साथ गुजरा था। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये हरकत की, क्या तुम उन लोगों को जानती थी? क्या वो तुम्हारे दोस्त थे? नहीं, वो लोगों को मैं नहीं जानती। उस रात हम सब फ्रेंड्स ने मिलकर 12 बोर्ड एग्जाम के पहले ग्रीन डोर क्लब में पार्टी थ्रो की थी। 8:30 बजे मुझे घर के लिए निकलना था। पक्का ना तू अकेली चली जाएगी? हाँ बाबा, ये एंजॉय योरसेल्फ, कल मिलते हैं। मैं तुझे 2 मिनट में मिलती हूँ। हाँ चल बाय। ठीक है बाय। बाऊ कोतरड़ चलोगे? नहीं, बहुत लंबा है, नहीं जाएगा। कोतरड़ चलोगे? कोई भी रिक्शा जाने को तैयार नहीं था। बहुत परेशान हो गई थी मैं। एक बार ख्याल आया कि वापस जाकर मेघना को ड्रॉप करने के लिए बोलूं। फिर सोचा कि उसकी पार्टी क्यों खराब करूं। कुछ लड़के बहुत देर से मुझे घूर रहे थे। अचानक वो मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं थोड़ी डर गई। करीब आए और उनमें से एक ने पूछा, क्या हुआ, रिक्शा नहीं मिला क्या? वो लड़का रिक्शा वालों से मुझे ड्रॉप करने के लिए कहने लगा। इतने सारे लड़कों को देखकर एक रिक्शा वाला मान गया और मैं जैसे ही रिक्शा में बैठने लगी तभी ए, चल निकल बाहर, निकल बाहर, लड़की छोड़ने जा रहा है, हम नहीं छोड़ सकते इसको। थोड़ा इधर भी तो टाइम पास कर दे। पार्टी से आ रही है क्या? इधर भी तो पार्टी बना ले। हम भी तो पार्टी कर रही है भैया, बना ले। हां इधर भी बना ले पार्टी। थोड़ा चेहरा 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 दिखा, चेहरा दिखा। हाँ हाँ बस। हाँ थैंक यू डिया, तुम्हारी इस हिम्मत को देख करके मैं बहुत खुश हूँ जो तुमने इस हादसे के बारे में मुझे बताया। अब बस तुम उन लड़कों की शिनाख्त कर लो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। टिया, लास्ट टाइम के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा, और तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उनसे मैं खुद अपोलोजाइज करूंगा। सावंत, यस सर। उस क्लब वाली जगह पर हमारे जितने भी खबरी हैं सबसे पूछताछ करो। क्या हुआ उस रात? कुछ लड़कों ने ऑटो भी तोड़ा और लड़की से भी छेड़खानी की है। उस दिन से पहने बहने उन लड़कों को कभी नहीं देखा साहब, लेकिन लग खतरनाक रहे थे साहब वो लोग। आखिर कौन हो सकते हैं ये लोग? सर लगता है कोई नए लोग हैं। मैं जल्द ही अपने लोगों को पीछे लगवा कर आपको जल्द से जल्द बताता हूँ। केस को हुए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन उस कांड में शामिल लड़कों का भी कुछ पता नहीं है। आखिर कहाँ हैं वो लड़के, क्यों खामोश बैठी हैं टिया? तुम लोग ने टीवी पर मेरा वीडियो देखा था? अरे बोलो ना, मैं कोई और वजह से पूछ रही हूँ। हाँ देखा था। तो उसमें किसकी आवाज थी? रिपोर्टर की, और वही सनसनी म्यूजिक जैसा, और कुछ नहीं था। क्यों, तू क्यों पूछ रही है? इसका
इसका मतलब है कि आवाज म्यूट कर दिया गया था, और अगर मुझे असली वीडियो मिल जाए तो मैं कुछ साबित कर पाऊंगी। आई एम सॉरी ये इन्फॉर्मेशन देना कि हमें ये खबर कहाँ से मिली, मेरे लिए आपको बताना जरूरी नहीं। सर मेरे साथ जो हुआ वो सब जानते हैं, अगर एक इंटरव्यू में आपके खिलाफ दे दूं तो आपका ये चैनल तो वैसे ही बंद हो जाएगा, फिर आप किस किस को जवाब देना चाहेंगे वो आप अभी से सोच लीजिए। ओके चलिए, आज रात के 8 बजे के बुलेटिन में आना चाहिए। गॉट इट? ये विनय मल्होत्रा, वो रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी, आपको जो कुछ भी पूछना है इनसे पूछ सकती है, जो कुछ भी इन्हें बता दो। परफेक्ट सर। तो वीडियो आपको कैसे मिला, क्या आप ही ने शूट किया था? मेरे को शूटिंग वूटिंग नहीं की थी, ये तो ब्यूरो में अनाउंस बस पोस्ट आया था, मैंने बस जस्ट एक स्टोरी तैयार की। जो ऑन एयर हुआ था वो एडिटेड था, मुझे ओरिजिनल वीडियो चाहिए। आई डोंट हैव इट, मेरे पास नहीं है। आप दे रहे हो या अपनी अप्रोच लगा दे, हाँ वीडियो फुटेज तो क्या और भी बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी, आप चाहें तो ऐसे दे सकते हैं वरना हम ऐसे ही ले लेंगे। इस वीडियो में साउंड नहीं है। ये वीडियो बिना साउंड के ही आया था। वो रिपोर्टर कुछ तो छुपा रहा था, तो हो सकता है बाकी में कोई वीडियो में साउंड ही ना हो। साउंड था, मुझे याद है उस वक्त इतनी आवाज में मुझे एक ही आवाज बार बार डायरेक्शन दे रही थी, कैमरे की तरफ देखने को कह रही थी। तेरा बोलने का मतलब है कि उस रिपोर्टर ने साउंड म्यूट कर दिया था, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? शायद किसको बचाने के लिए, लेकिन जब तक असली वीडियो मिल नहीं जाए तब तक कुछ भी प्रूफ करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम बिना बताए उससे वीडियो ले ले तो? लेकिन कैसे? जल्दी जल्दी कोई आ जाए। नितिन का तरीका गलत था लेकिन उसका मकसद सही था। अपनी दोस्त टिया को इंसाफ दिलाने के लिए, सच का पता लगाने के लिए उसके दोस्तों ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। अगर वो पकड़े जाते उन्हें जेल हो सकती थी, उनका फ्यूचर बर्बाद हो सकता था। न्यूज रिपोर्टर विनय के कंप्यूटर का पासवर्ड हैक करके उसके कंप्यूटर की हर फाइल चेक करना बेहद भारी काम था, लेकिन आखिरकार 1 घंटे की मेहनत के बाद नितिन को सफलता मिली। उसे उस रात की ओरिजिनल वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई जिसे उसने एक हार्ड डिस्क पर कॉपी कर लिया। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के कारण अब एक बेहद चौंका देने वाला सच सबके सामने आने वाला था, एक ऐसा सच जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। चेहरा 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 दिखा, चेहरा दिखा। हाँ। मेरे को शूटिंग वूटिंग नहीं की थी, ये तो ब्यूरो में अनॉनिमस पोस्ट से आया था। यस दैट्स इट, हाँ गुड वन। ये आवाज तो उस रिपोर्टर की ही लग रही है। हाँ सर, ये सब कुछ मैंने किया सर, चैनल का टीआरपी बढ़ाने के लिए, नौकरी खतरे में थी सर और चैनल की रेटिंग नहीं बढ़ रही थी, ऊपर से सनसनी खबर लाने का प्रेशर, क्या कहाँ से लाता सर, कहाँ से लाता? सारी बातें साफ साफ बता, कब कहाँ कैसे तूने प्लान किया, जल्दी बता। सर क्लब में कोई ना कोई आते रहता है, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक प्लान बनाया। उस रात में उस क्लब में गया और वहां पे किसी लड़की को मैंने पकड़ा सर, बदकिस्मती से वो लड़की बोल, फिर क्या किया? क्या करता सर, घर पे अकेले कमाता हूँ सर, किसी नेता या बिजनेस टाइकून का बेटा नहीं हूँ सर मैं,
एक तो काम का प्रेशर, ऊपर से पैसों की तंगी, बहुत मुश्किल में था सर, इसीलिए ये न्यूज क्रिएट किया सर। इसलिए तूने उस मासूम लड़की को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया? आई एम सॉरी सर, मेरे वजह से आप लोगों को बहुत बुरा लगा होगा। खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहे, अगर आप सच भी कह रहे हैं तो इस रिपोर्टर के बयान के अलावा आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है जिससे बात यह साबित हो सके कि ये रिपोर्ट सच्ची नहीं है? हो सकता है इसने आपके प्रेशर में आकर ये बयान दिया। फिलहाल तो हम आपके इस रिपोर्टर को गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन मुझे आपके खिलाफ एक भी सबूत मिला उस दिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। ले चलो। दिया बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस वारदात के पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सके ताकि तुमको इंसाफ मिले। भरोसा रखो बेटा, इस बार हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। थैंक्स सर, मैं भी अपनी इस लड़ाई को अंजाम जरूर दूंगी। आई विल फाइट बैक। गुड, चलो। दिया और उसके दोस्तों ने सोशल मीडिया की मदद से अपने जानने वालों के अलावा और कई लोगों को इस कड़वे सच से अवगत करवाया। टिया के इस कदम से पूरा मीडिया फौरन हरकत में आ गया और टिया की न्यूज बनाने वाले उस रिपोर्टर और न्यूज चैनल की हर अखबार और चैनल में निंदा की जाने लगी। इस केस में जहां एक न्यूज चैनल ने गैर जिम्मेदाराना हरकत की, वहीं दूसरे न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स ने अपने कर्तव्य को सही अंजाम दिया। अब पूरा मीडिया टिया के साथ था। ये न्यूज दिखाकर समाचार तेज ने ना सिर्फ मेरा अपमान किया है बल्कि मेरी जैसी लाखों लड़कियों का भी अपमान किया है। मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं समाचार तेज के खिलाफ कार्रवाई की अपील करती हूँ। अगले 48 घंटे में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो मैं, मेरे दोस्त, मेरा परिवार इस घटना के विरुद्ध प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब पूरा देश एक हो चुका था। देश के कोने कोने से लोग किसी भी तरह अपनी आवाज टिया की आवाज के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई टिया की हिम्मत बनना चाहता था। पूरे देश में एक आक्रोश था टिया के साथ हुए अन्याय के खिलाफ। लोगों में एक जिद टिया को न्याय दिलाने के लिए। ये लोग टिया के कुछ नहीं लगते थे। इनमें से ज्यादातर तो टिया को जानते भी नहीं थे। अलग धर्म, अलग प्रांत, अलग उम्र, लेकिन सब एक जुट। 100 करोड़ अलग अलग आवाजें, लेकिन सबका मकसद एक, अन्याय पर न्याय की विजय। मीडिया और लोगों का साथ टिया का हौसला दुगना कर चुका था, लेकिन एक खतरा अब भी उसकी ओर लगातार बढ़ रहा था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि समाचार तेज चैनल के वरिष्ठ कर्मचारी और मालिक इस पूरे मामले में शामिल है? हम बिना किसी सबूत के कोई बात नहीं कर सकते। हमारे पास हमारी सारी बातों का सबूत है। ये देखिए, समाचार तेज चैनल के मार्केटिंग के लोगों ने उस दिन के स्पॉट के लिए पहले ही बहुत बड़ी अमाउंट की डील कर ली थी। सारे ऐड के स्पॉट्स बिक चुके थे, वो भी भारी दामों पर। तो आप लोग ही तय कीजिए, उनको पहले से कैसे पता था कि उनको ऐसी न्यूज मिलने वाली है जिससे तहलका मच जाएगा? चाहिए तो हम इस मामले की जरूर जांच करेंगे और इसके तह तक पहुंचेंगे। हेलो जी सर, अभी जाओ और इमीडिएट एक्शन लो। मैं कोर्ट ऑर्डर और वारंट भेज रहा हूँ। बस और क्या नहीं चाहिए, जल्दी करो। ओके सर। जी सर। सावंत, जीप निकाल लो कर। देखिए, टिया नायक हमारे चैनल पर झूठे आरोप लगा रही है। वो इस चैनल को बदनाम करने पर तुली हुई। अभी तक उसने जितने भी सबूत दिए सब झूठे हैं। आपकी हर बात का हमारे पास एक ही जवाब, सत्यमेव जयते। बहुत बड़ी सफलता मिली आपको मैडम। आपने अपने आप को बेदाग ही साबित नहीं किया बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ आप खड़ी हुई है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो शर्मनाक घटना के बाद एक जिंदा लाश ही बन गई थी। मेरे मम्मा पापा भी सदमे में थे, लेकिन मीडिया ने जो किया उसे मुझे तो क्या, किसी को भी अलावा कोई और चारा नजर नहीं आता। लेकिन मेरे साथ मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दोस्त, मेरा परिवार और आप लोगों का साथ नहीं होता तो मैं अपनी आवाज कभी बुलंद नहीं कर पाती। मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। खबर जरूर दिखाई है, लेकिन उस खबर को सनसनी केस बनाने के लिए गैर कानूनी और अमानवीय तरीका अपनाना गलत है। मीडिया हमारे गणतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया को उस स्तंभ के तौर पर ही काम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्तंभ को चलना शुरू कर दे तो हमें भी उस स्तंभ को गिराना आता है।
टिया के साथ बदतमीजी करने वाले सभी लड़कों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और अदालत ने उन्हें सजा भी सुनाई। 18 साल की टिया नायक की जीत हमारे देश के हर आम नागरिक की जीत है। ये केस अपने कई पहलुओं की वजह से हम सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस केस ने जहां एक ओर हमारे समाज के एक घिनौने चेहरे से हमारा परिचय करवाया, वहीं इसी समाज को ये एहसास भी दिलवाया कि हम सब भले ही कितने अलग क्यों ना हो, बंधे हुए हैं एक सूत्र में। देर है तो बस एक आवाज देने की। दर्द सबको होता है, डर भी सबको लगता है, लेकिन टिया की लड़ाई ने साबित कर दिया कि सब लड़ भी सकते हैं और सब जीत भी सकते हैं। हर आम आदमी खास आदमी बन सकता है, बस वो कुछ कर गुजरने की ठान ले। दोस्तों, ये केस एक प्रमाण है कि गणतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है गण, यानी हम आम आदमी। अगर हम आम आदमी अपने अंदर छिपी टिया नायक को जगाएं, तो एक स्वस्थ और अपराध रहित समाज की रचना सुनिश्चित है। इस उम्मीद के साथ मैं सुशांत सिंह अब आपसे इजाजत लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और बेमिसाल सत्य कथा के साथ। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें सावधान इंडिया। सावधान, सौ फाइट बैक्स। तो सावधान।